नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोर्डक में कथित तौर पर 100 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इन हत्याओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले खबर आई थी कि जिसमें बताया गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% बॉर्डर इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। पिछले सप्ताह तालिबान ने स्पिन बोर्डर जिले पर भी हमला किया था, जिसमें 100 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरा अफगानिस्तान दुख में है। ऐसा बताया गया है कि 100 लोगों की लाशें अभी भी जमीन पर ही पड़ी हैं। तालिबान ने कब्जा करने के बाद नागरिकों के घरों को लूट लिया, वहां पर अपने झंडे फहरा दिए और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि तालिबान ने इन मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसने नागरिकों की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मिरवाइस स्टेकन जई ने कहा है कि पाकिस्तान के आदेश पर क्रूर आतंकवादियों ने स्पिन बोल्डर के कुछ इलाकों में निर्दोष अफगानों के घरों पर हमला किया, घरों को लूट लिया और 100 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे ही क्रूर दुश्मनी के असली चेहरे का खुलासा होता है। तो तालिबान ने 100 नागरिकों की हत्या कर दी है, उनके घरों को लूट लिया। वहां के गृह मंत्रालय ने तालिबान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिनके शव अब भी वहीं पर ऐसे पड़े हुए हैं। भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बती सीमावर्ती शहर निंगची का दौरा किया। शी जिनपिंग निंगची मेलदिन हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों और कई जातीय समूह के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में निरीक्षण करने के लिए न्यांग नदी पुल का दौरा किया। निंगची तिब्बत में एक प्रांत स्तर का शहर है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अपना दावा करता है, जिसे भारत ने हमेशा ही खारिज किया है। बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC शामिल है। चीनी नेता समय समय पर तिब्बत जाते हैं, लेकिन चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख शी हाल के वर्षों में तिब्बत के सीमावर्ती शहर का दौरा करने वाले पहले शीर्ष नेता हैं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि नए बुलेट रेल लाइन सीमा स्थिरता को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। उनका इशारा भारत से लगी अरुणाचल सीमा की ओर था। निंगची अरुणाचल के करीब स्थित तिब्बत की सीमाई नगर है, जिसको लेकर लगातार चीन दावा करता है। तो शी जिनपिंग अचानक तिब्बत दौरे पर पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर ब्रह्मपुत्र का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भू राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत को लेकर बड़ा बयान दिया। बर्न ने कहा है कि अमेरिका को समझना होगा कि अब वो भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में अकेला नहीं है, उसे चीन की ताकत समझनी होगी। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया सेवा को अब बीजिंग के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीनी विशेषज्ञों को तैनात करना पड़ सकता है। मैं चीन के विशेषज्ञों को आगे तैनात करने के लिए अभी संभावनाएं तलाश कर रहा हूं, चाहे वो ऑपरेशनल ऑफिसर, एक्सपर्ट एनालिस्ट या फिर टेक्नोलॉजिस्ट ही क्यों ना हो। हमें कंपटीशन को और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना होगा। बर्न्स ने कहा है कि 21वीं सदी में चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती है। ऐसे में US को लगातार चीन टक्कर दे रहा है। US को भी अब पूरी तरह से तैयार होना है और पूरी तैयारी रखनी है। CIA में चीनी एक्सपर्ट की तैनाती को लेकर भी चर्चा लगातार बनी हुई है। तो भौगोलिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर लगातार चीन अमेरिका को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ CIA में चर्चा हुई है कि चीनी एक्सपर्ट की तैनाती यहां पर की जा सकती है, ताकि आगे जितने भी भौगोलिक और राजनीतिक वार्ता होती है उसमें अमेरिका अपना पक्ष बड़े ही कठिन तरीके से रख सके और पूरी तरीके से आगे चीन को टक्कर दे सके।
पिछले कई सालों में ईरान जन्म दर कम होने की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। ईरान में विश्व के कई दूसरे देशों के मुकाबले जन्म दर काफी कम हो गई है, जिससे परेशान ईरान की सरकार ने एक नया नुस्खा निकाल लिया है। जन्म दर बढ़ाने के लिए ईरान सरकार ने मैच मेकिंग ऐप को लॉन्च किया है, ताकि युवाओं में आकर्षण बढ़ सके, वो ऐप के जरिए अपने लिए सही जीवन साथी चुन सके और फिर ईरान की आबादी को बढ़ाया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक इस ऐप का नाम हमदम है। इसे सरकार के इस्लामिक सांस्कृतिक निकाय ने बनाया है। ये ऐप संभावित जोड़ों, उनके परिवारों को मैचिंग और परामर्श सेवाएं देता है। इसके साथ ही शादी के 4 साल बाद तक जोड़े के संपर्क में रहता है। ईरान में इस्लामिक कानून के तहत पश्चिमी शैली की डेटिंग पर पाबंदियां हैं, लेकिन कई युवा पारंपरिक तरीके से शादी करना पसंद नहीं करते। ईरानी महिलाओं में प्रजनन दर पिछले 4 साल में 25% कम हुई है, लेकिन इससे निपटारा पाने के लिए अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और एक खास ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम हमदम है। ये कैसा ऐप है जिसमें दो लोग आपस में मिल सकते हैं, इसे डेटिंग ऐप भी कहा जा सकता है या फिर मैचिंग ऐप भी कहा जा सकता है। तो यहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसको लेकर ईरान पूरी तरह से चिंतित है। ऐसे में कम जनसंख्या पर किस तरह से नियंत्रण किया जा सके और जनसंख्या को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इसको लेकर ईरान सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। तो ईरान में पिछले कई सालों से आबादी लगभग ना के बराबर बढ़ रही है, जिसको लेकर ईरान सरकार पूरी तरह से चिंतित है और इसी चिंता को दूर करने के लिए हमदम नाम के इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें युवा एक दूसरे से आकर्षित हो सकते हैं। इस ऐप से फायदा ये होगा कि ये परिवार के पास भी रहेगा इसका जानकारी, और अगर कोई जोड़े शादी करते हैं तो उसकी जानकारी 4 सालों तक इस ऐप के जरिए सरकार के पास रहेगी। पूरी दुनिया में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO का कहना है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर ये जानलेवा वेरिएंट और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला भारत में ही सामने आया था और इसके बाद से ये अब तक दुनिया के करीब 124 देशों में फैल चुका है। अमेरिका में सामने आने वाले करीब 80% मामलों के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है। वहीं ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों का भी यही हाल है। दक्षिण कोरिया में इसकी वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ईरान में भी नए मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। विश्व स्तरीय संगठन के मुताबिक एक सप्ताह में डेल्टा वेरिएंट के मामले 13 देशों में सामने आए। कई बड़े देशों में लगातार 3 सप्ताह से इसके मामले बढ़े हैं। संगठन की तरफ से दी गई महामारी के अपडेट में इस संभावना से इनकार नहीं किया गया कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के कुछ और वेरिएंट भी सामने आएंगे। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फा, जिसका पहला मामला ब्रिटेन में सामने आया था, बीटा, जिसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था, और गामा वेरिएंट, जिसका पहला मामला ब्राजील में सामने आया था, इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा हुआ है। WHO की अपडेट जानकारी के मुताबिक अल्फा अब तक दुनिया के 180 देशों में, बीटा वेरिएंट करीब 130 देशों में और गामा करीब 78 देशों में फैल चुका है। वहीं भारत में पहला मामला डेल्टा वेरिएंट का आया था, जो कि अब 124 देशों में फैल चुका है, जिसको लेकर WHO पूरी तरह से चिंतित है। WHO की तरफ से कहा गया है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, अगर लोग यूं ही लापरवाह रहे, देश यूं ही लापरवाह रहे, तो आने वाले महीनों में ये बेहद खतरनाक हो जाएगा और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो WHO लगातार इन वेरिएंट्स को लेकर आगाह देशों को करता रहता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से पाबंदियों को हटा चुके हैं, ऐसे में वहां पर मामले ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में डेल्टा वेरिएंट आया और अब ये 124 देशों में है। भारत में भी धीरे धीरे पाबंदियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन यहां पर सरकार तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। भारत सरकार राज्य सरकार से लगातार बात कर रही है, संपर्क में है कि आगे किस तरह से सावधानियां बरतनी है। पाकिस्तान में बस में हुए बम धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत से चीन काफी गुस्से में है। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानी कर्मचारियों को भी निकाल दिया है।
अपने 9 इंजीनियर्स की मौत के बाद चीन ने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर काम को लेकर गठित उच्च स्तरीय समितियों की बैठक को स्थगित कर दिया। इसके अलावा अरबों डॉलर की लागत से बन रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी फिलहाल बंद होता नजर आ रहा है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पाकिस्तान को फंड देता है, लेकिन अब वो खासा नाराज पाकिस्तान से नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमले में इंजीनियर्स की मौत से चीन बौखलाया हुआ है। बता दें कि बीते सप्ताह चीन के नेतृत्व वाले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे उसके 9 इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। ये इंजीनियर बस में बैठकर साइट पर आ रहे थे, उसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और बस नहर में जा गिरी। पाकिस्तान ने पहले इसे हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में चीन ने साफ कर दिया था कि ये कोई हादसा नहीं है, ये आतंकी हमला था। कुछ तस्वीरें इन दिनों काफी ज्यादा सामने आ रही हैं कि चीनी जो इंजीनियर हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपने कंधों पर AK-47 लादकर काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा वो खुद अपने हाथों में लेकर काम कर रहे हैं। चीन काफी बौखलाया हुआ है इस हमले के बाद से। ऐसे में हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पर चीनी इंजीनियर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट को रोका गया है, लेकिन आने वाले समय में ये काफी तलखी जो है चीन की और पाकिस्तान की वो इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा हावी होती हुई नजर आ सकती है। तो आपको बता दें कि पिछले सप्ताह चीनी इंजीनियर से जो बस भरी हुई थी उसमें धमाका हुआ और वो बस नदी में जा गिरी थी। पहले तो पाकिस्तान ने इसे हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसे सीधे तौर पर आतंकी हमला कह दिया, जिसके बाद चीन बौखलाया है, अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा है। साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि करोड़ों की लागत से बन रहा है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। तालिबान के सहारे पाकिस्तान में शांति का ख्वाब देख रहे इमरान खान सरकार को तगड़ा झटका लगा है। तालिबान के एक धड़े तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सरकार से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इमरान सरकार को TTP के साथ खुद ही बातचीत करनी होगी। अब तक इमरान सरकार तालिबान के जरिए पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों को खदेड़ने का ख्वाब देख रही थी। जून 2014 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन जबे अजब ने TTP की कमर तोड़कर रख दी थी। तब इसके आतंकी पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। अब पिछले कुछ साल से आतंकवादी वापस पाकिस्तान लौट आए हैं और लगातार हमले कर सेना और संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कई राज्यों में TTP के हमलों के कारण पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। तो TTP के हमलों से पाकिस्तान की नींद फिलहाल उड़ी हुई है और पाकिस्तान सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। तालिबान ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है। अफगानिस्तान इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार जारी है। एक महीना करीब होने को आया है, लेकिन यह आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अफगानिस्तान के शीर्ष नेता पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान खुले तौर से तालिबान को समर्थन दे रहा है। अब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने एक तस्वीर शेयर कर पाकिस्तान पर तंज कसा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। अफगानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने जो तस्वीर शेयर की है वो पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने की तस्वीर है। फोटो शेयर करते हुए साले ने लिखा है कि हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और ना कभी होगी। हाँ, कल कुछ पल के लिए उस वक्त मैं हिल गया था जब हमारे ऊपर से गुजरता हुआ रॉकेट कुछ मीटर की दूरी पर गिरा। पाकिस्तान के प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद आपके उस घाव पर मरहम नहीं लगाएगा जो घाव और जो ट्रॉमा आपको ये तस्वीर देगी। ये तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, इसी तस्वीर की बात लगातार हो रही है, कोई और तरीका खोजिए। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लगातार तालिबान हमला कर रहा है, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और वहां से जो नागरिक है उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार तालिबानी आतंकियों को संरक्षण देता है और काफी ज्यादा इनमें मित्रता देखने को मिलती है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहद नाराज है। ऐसे में अब पाकिस्तान अफगानिस्तान उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान पे काफी ज्यादा नाराज होते हुए नजर आए हैं।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयांचल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वर्चुअली होकर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल बैस ने कहा है कि समारोह के आयोजन पर खुशी तब और ज्यादा होती है जब संक्रमण की विषम परिस्थितियां नहीं होती और मैं अपने प्यारे छात्र छात्राओं के जरिए शामिल हो पाता, उनसे मिल सकता। प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनका सही से उपयोग नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के केंद्र होते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं। दीक्षांत समारोह के दिन विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान और उनके उमंग और उनके उत्साह का दीक्षांत समारोह की गरिमा को और ज्यादा बढ़ा देता है। ज्ञान और सूचना तकनीक के कई आयामों के जरिए ही हम विकास की गति को और ज्यादा तेज कर सकते हैं। तो राज्यपाल वर्चुअली छात्र छात्राओं से जुड़े हैं, उनको संबोधित भी किया है। हालांकि उनका ये कहना था कि अगर वो निजी तौर पर उनसे मिलते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी क्योंकि कोरोना काल की वजह से इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। ऐसे में वर्चुअली वो जुड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं विकास की और ऐसे में छात्र छात्राओं को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो झारखंड को उच्च स्तर पर लेकर जाए, झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी बढ़ावा दें। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का बड़ा टारगेट है। पटना में 25 जुलाई तक सभी शहरी 75 वार्डों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया, लेकिन टीका नहीं है। टीका का एक टारगेट कैसे पूरा होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। टीके की कमी के कारण पटना में शुक्रवार को 34 सेंटर को बंद कर दिया गया, मात्र 9 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ टीका एक्सप्रेस को भी शहरी क्षेत्र में लगाया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की डोज लोगों को दी जाती है, यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा। प्रशासन की माने तो यहाँ वैक्सीन की कमी के कारण ऐसा किया जा रहा है। अब ऐसे लोगों को इस सेंटर से वापस लौटना होगा जो वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी बाकी है, यानी कि प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने अब तक पहली डोज भी नहीं ली है। टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन टीके की कमी सरकार बता रही है, ऐसे में टारगेट कैसे पूरा होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 6 महीने में 6 करोड़ का टारगेट बिहार सरकार ने रखा है। कई ऐसे टीकाकरण केंद्र थे जहां से लोगों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके पास वैक्सीन की कमी हो गई थी। वो प्राथमिकता उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने अब तक एक भी डोज वैक्सीन की नहीं ली है। जो दूसरी डोज लेने के लिए जा रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि शॉर्टेज वैक्सीन की लगातार बिहार में बनी हुई है। तो बिहार सरकार का टारगेट है कि 6 महीने के अंदर 6 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया जाए, 6 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन किया जा सके, टीका उन तक पहुंच सके, लेकिन वैक्सीन की भारी कमी के चलते ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश में चल रहे फोन टैपिंग और महंगाई के मामले का असर अब बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने भी इन सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार पर नरम रुख रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज्यादा आक्रामक दिखे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं होने वाले बयान पर चिराग ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि इस घटना से आप मुख्यमंत्री की सक्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से बिहार और बिहारियों की हालात से वाकिफ नहीं है। बिहार के लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये शायद मुख्यमंत्री को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी को तो बाढ़ के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ हवाई यात्रा ही करते हैं। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी एक बार सड़क मार्ग से भ्रमण के लिए तो निकलिएगा, तब आपको सही जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि इन दिनों देश में फोन टैपिंग और महंगाई का मुद्दा चरम पर है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चिराग पासवान केंद्र सरकार पर तो निशाना साधते हुए नजर नहीं आए, लेकिन बिहार सरकार पर उन्होंने
तुरंत उंगली उठा दी है तमाम मुद्दों को लेकर। वो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए जरूर नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें नहीं पता कि बिहार में जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि बाढ़ से कितने लोगों की जान जा रही है, कितनों की आशियाने उड़ गई हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ हवाई यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग पर कभी निकलते ही नहीं। तो चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए हैं कि उन्हें सड़क मार्ग पर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि लोगों की हालत कितनी बदतर होती जा रही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। वहीं उन्होंने अपनी विशेष इस्पात योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा है कि नई विशेष इस्पात उत्पादन योजना से 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष इस्पात के उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मंत्री के मुताबिक भारत विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इस योजना की अवधि 5 साल की होगी। इसके लिए 6,322 करोड़ रुपए का बजटीय खर्च होगा। इससे करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आरसीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने की है। साथ ही साथ इस्पात को लेकर उन्होंने कई योजना रखी है और कहा है कि इस योजना से करीब 68,000 ऐसे लोग होंगे जिनको सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। बाकी जो लोग इनसे जुड़ेंगे उन्हें भी इससे रोजगार मिल सकता है। साथ ही साथ इससे लाभ भी काफी ज्यादा होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची शहर के लिए 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास आज करेंगे। इन योजनाओं में जयपाल सिंह स्टेडियम, मोराबादी मैदान और बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण, कांके रोड में अर्बन हार्ट का निर्माण, सहजानंद और अरगौड़ा चौक का सुधार कार्य सहित सड़क और नाली निर्माण शामिल है। वहीं शहर की प्रमुख सड़कों पर पेवर्स, चेकर्स और स्टील रेलिंग लगाने का भी शुभारंभ किया जाएगा। कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में आज करीब थोड़ी देर में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में नगर विकास विभाग और रांची नगर निगम के पदाधिकारी शामिल होंगे। जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण पर सरकार 4.53 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया जाएगा। तो हेमंत सोरेन आज बड़ी योजनाओं का शिलान्यास अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत इन योजनाओं में आएगी, जिससे झारखंड का पूरी तरह से विकास होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों के बीच खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने एग्जिट के संकेत दे दिए हैं। जी हां, बीते कई दिनों से ऐसी चर्चाएं गर्म है। येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी ने उनके काम पर भरोसा कर 75 की उम्र पार करने के बावजूद मौका दिया। 25 जुलाई को उनकी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद आलाकमान जो कहेंगे वो किया जाएगा, साथ ही पार्टी को वापस सत्ता में लाने का काम भी करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों, लिंग्यात संतों का भी धन्यवाद किया और उनके सहयोग की अपील की है। वहीं येदियुरप्पा के इस बयान से ऐसा लगता है कि आलाकमान को काफी राहत मिली होगी। वजह साफ है कि कर्नाटक में नैतिक परिवर्तन की चर्चा तेज होने के साथ ही लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा के समर्थन में आवाज उठने लगी है। विपक्ष कांग्रेस के भी बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा के बचाव में आए हैं और बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दी है कि लिंगायत समुदाय को नाराज ना करें और येदियुरप्पा बड़े नेता होने के नाते उनकी डिग्निटी बनाए रखें। इन नेताओं की लिस्ट में बड़े लिंगायत नेता MB पाटिल और शामनू शिवांकरण करप्पा शामिल हैं। इसके बाद लिंगायत समुदाय के कई संतों का येदियुरप्पा के घर जुमावड़ा भी देखने को मिला। हर दिन एक एक दल उनसे मिलने पहुंच रहा है, जिसमें लिंगायत के बड़े मठ के तमाम स्वामी शामिल हैं। आज भी करीब 500 संतों ने येदियुरप्पा के घर पर पैदल मार्च किया है।
पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ एटीएस समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका है। गुरुवार को कई और नामों की लिस्ट भी जारी की गई, जिसमें अनिल अंबानी का भी नाम शामिल था। हालांकि ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि अनिल अंबानी वर्तमान में इस फोन नंबर का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल एडीएजी ने रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया जा रहा है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वो नंबर उस लीक लिस्ट में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दस एविएशन के प्रतिनिधि वेंकट राव पोसेना, साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सियाल और बोइंग इंडिया के प्रमुख प्रत्युष कुमार के नंबर भी 2018 और 2019 में कई बार लीक आंकड़े में शामिल हुए हैं। फ्रांस की कंपनी एनर्जी एडीएफ के प्रमुख हरमनजीत नेगी का फोन नंबर भी लीक आंकड़ों में शामिल है। वो इस अवधि के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रा की भारत यात्रा के दौरान आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए थे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारापोर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ कल रात से चल रही थी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि वारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर की तलाशी का काम शुरू किया। इस दौरान एक घटना सामने आई, जिसमें घर में कई आतंकी छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण की अपील की, परंतु सफलता नहीं मिल सकी। सुरक्षा बल फ्लड लाइट्स लगाकर इलाके में घेरे हुए थे, ताकि आतंकी मौके से भागे ना। देर रात तक रुक रुक कर फायरिंग हुई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।